क्या खाना है आपने? रोटी खानी है? माशी लगेगी रोटी के साथ सालन लगा के मुझे दो। गम है, गम, गम। यहाँ पे जी नाश्ता लेंगे अपना, पराठे हैं रात वाली जो दाल थी मूंग मसर की, चाय और पानी। नो 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 नो, ठीक है नो। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? तो अभी लेट उठे हैं आज सो के, तो अभी थोड़ी देर में निकलना है जॉब के लिए, तो क्या कहते हैं नाश्ता करके तो निकलते हैं। मट्टो देखो, मट्टो कह रहे बस मुझे सब कुछ पकड़ाने, बाकी कोई खाना खाए। नो नो, अभी गिरने लगे, आई हो जाएगी आई। ये वो ड्रामेबाज है माशाल्लाह, बहुत तेज है। ये चाय है उस्मान लेके आए मशीन, वो ना टिंड करने वाली, घर था इसको हफ्ते को लेके आई, मैं इसकी टिंड करूंगा, ठीक है लेके जाऊंगी। लोग कह रहे हैं कि ना करें टिंड इसकी, एक बार करवा देती हूँ, बाल देखे कैसे बम्प फटा रहता है, कोई क्या पहन लेगी ना कि नो, उसने रोटी खानी बस। चलो जी नाश्ता करते, नहीं आपकी नहीं करवानी। हाँ जी चलो जी नाश्ता करें। बेबी बेबी मुंह देखे बेबी, अल्लाह देंगे देंगे सारा कुछ देंगे, सब्र करो। ये क्या कर रही है? नीचे करो प्ले, नीचे करो जल्दी, कहो भाई ला मुझे की माने, इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है, मान लो भाई मेरी अभी मेरे पास ही सो रही है, काफी देर हो गई सो रही। तो वसीम भाई बना रहे हैं हुजैफा के लिए ना फ्राइज, कह रहे मैंने फ्राइज खाने हैं। मैं तो सर्दी में की माने बस हाथ पाँव इतने ठंडे रहते ना बहुत ज्यादा, और मेरे से शूज भी नहीं पहनते थे सर्दियों में, पाँव में इतनी खारिश होती है। आपने लास्ट सर्दियों में भी देखा होगा, मैं सॉक्स पहन के ना जूती पहन लेती थी, शूज मेरे पास पड़े हैं पर मेरे से पहने नहीं जाते, इतनी पाँव में खारिश होती है ना, तो मैं दिल करता है अभी शूज उतार लूँ, उससे शूज पहन ही नहीं सकती। तभी भी हाथ पे मेरे इतने ठंडे हो रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं उठ के ना सॉक्स पहन लूँ ना, सुकून मिल जाएगा। आज सर्दी होगी क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई ना, इसलिए बिना चिझाता बच्चा इधर शोर है, अभी उठ जाएगा, उठने वाला काफी देर का शोर है जी। इनके चिकन फ्राइज हो चुके हैं रेडी, तो ये चिकन फ्राइज खाने लगे हैं। चिकन फ्राइज बन गए हैं, ये देखें मट्टो भी आ गई है, मट्टो भी कह रही है। तो अभी आया था जॉब से घर पे ना, तो घर पे वो कुछ चीजें देनी थी, तो वो दी है घर पे, तो अभी वापस आने लगा जॉब पे, क्योंकि पैसे भी सबमिट करवाने लगा वहाँ पे जाके पार्सल्स के, और ये तीन पार्सल वापस आए थे, मैं कैसे तो मैंने कहा कि अच्छा है जहाँ से मैं कैश भी जमा करवाऊँ और पार्सल भी लिए, ठीक है ये पार्सल तो सीमा भी जा रहे हैं, फिर आएंगे खाना शाना खाएंगे हम लोग। मुजैफा भी आगे सो गया, ये दोबारा गए थे किसी काम, पापा सा जैफा भी गया था, माना मेरी अभी तक दोबारा सो गई है ना, जैफा भी आगे सो गया, सो जाओ अभी, अभी सी भी जाने लगे आएंगे, फिर खाना शाना हाँ नहाने का बना कर ला। वसीम चले गए जी काम पे, बच्चों का दूध वगैरह मुझे दे गया, मैंने कहा भाई दूध बोल कर दूँ, पहले मैंने कहा शादी के जो कपड़े हैं ना देखो मैंने तह लगा के धो के तह लगा लिए थे, अभी मैंने कहा सारे ना शॉपरों में डाल के ना फ्री हूँ, सारे मैंने को ऊपर रख के आती हूँ, ये तो बखेरा पड़ा ये तो समेटना, वसीम वही मुझे कह रही है अलमारी खाली करें, अलमारी फुल ये देखे यहाँ तक भरी हुई है कपड़ों के साथ, ये मैंने यहाँ से फ्रूट निकाल लिए, धोए तो मैंने सारे ही थे कि मैंने मेरा ऐसे दिल ही नहीं था कर रहा रखने को, मैंने बोली मेरे पर ना ये वाली फ्रॉक निकाली थी मेहरून वाली वसीम की, क्या चीज है चिपक गई है, उसी मुझे कहती है ये कितनी बार पहनी है, ये मत पहने लगा, मैंने ये दो बार पहनी है बस, है एक से दो बार पहनी हुई है मुझे अच्छी तरह याद है, इसके नीचे मैंने कैंशन लगवा के मैंने टेलर से सिलाई करवाई थी, बल्कि ये देखिए उसने इतनी ज़बरदस्त इतनी ज़्यादा कैन लगा के, ये पहले ये शमीज़ का कपड़ा लगाया फिर ये कैन लगाई फिर ये कपड़ा लगा के फिर उसने ऊपर नेट लगाई थी, इतनी प्यारी है फ्रॉक थी, उसे ये पहनना ही नहीं था, कहते रहने दे ना पहने ना पहने, मैंने वलीमे पे ये निकालती मैंने कहा ये बार भी फ्राक है तो ये पहनती, और पहनी हुई बिकीन मन इतनी अच्छी लगती है, मैं आपके सारे तेरे साइड पे एक पिक्चर ना वो लगा देती हूँ, उसी में नहीं मुझे पहनने दी, मैंने कहा चले ठीक है ना, किसी साथ दुपट्टा पजामा हर चीज़ से जो मैंने मैक्स पहन थी उसका तो मैं बाजार से ले गई थी, इसका मेरे पास अवेलेबल था, तो ये तो वसीम के हैं, ये इधर रखी हूँ जो मैंने पेटी में रख लिया ना वो रखी हूँ, मैंने एक दो फ्राकें ना एक्स्ट्रा निकाल ली थी, मैंने कहा था कि जो दिल करेगा वो पहन लूंगी, मानो का तो यहीं पर रहने देती हूँ, मानो को छोटे छोटे ना मानो को तो मैं अभी बंदा कहीं आता जाता तो फिर भी पहना देता है, तो अपने सारे मैं पेटी में रख गया, तो मुझे अब मैसेज कर रहे थे कमेंट आते कि आपकी आप बरात पे और मेहंदी पे सबसे ज्यादा प्यार, लेकिन मुझे भला किस किस दिन अपना मेकअप सही लगा था, एक दिन जिस दिन मैंने ये गरारा पहना था, एक दिन बरात का, और एक दिन जो मैंने ग्रीन ड्रेस पहना था ना जो मेरा भाभी का और मानो का सेम था, ये तीन दिन के ना मेकअप ना मुझे अपने बहुत अच्छे लगे थे विद हेयर स्टाइल,
मुझे लहंगा तो अपना सेम था, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने अभी कहा, मैंने कहा मैंने ना अपना लहंगा सेल कर देना, अब आप भी और मेरी बहन ने मुझे करने देने। कहती नहीं आप भी, किसी की शादी होगी ना तो हमने वही लहंगे इकट्ठे पहने हैं आपकी फैमिली में से। अभी यानी करीब शायद मेरी खाला रिश्ता देख रहे हैं, मेरी कज़न निमरा का रिश्ता मिल जाए अच्छा सा, फिर उसकी शादी होगी, फिर कहती है आप ही मिलके सारे कपड़े पहनेंगे। फिर जब मैंने पहने, फिर मैंने ये मैक्सी भी वॉश की, अल्लाह एक मिनट मेरे कपड़े नीचे गिर जाने, इतने ज़्यादा कपड़े कम एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा था कि जो उनसे कहेंगे ना वही पहन लूँगी, इतने अभी इतने ज़्यादा कपड़े जो कि मैंने आपको शादी के दिखाए ने, मेरे को खाला वगैरह जो मेरी बरी है ना वो भी सारी टोटली वरी ओरिगा की बनाई थी, कि हम सब बहनों में से सब मुझे ये कहते थे तेरी वरी ना सबसे प्यारी है। तो ये सारे कपड़े बच्चों को जो पेंट कोट प्रिंस कोट है ना वो तो यहीं पे हैंग कर देती हूँ ना उनके बैग में डाल के, ये नान वगैरह का प्रिंस कोट ना तो अपने मैंने सारे शॉपर में डाल दिए। शॉपर मैंने सारे ना ये देखे इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं, कुछ शेयर के नीचे कुछ आए हुए थे। मैंने कहा फिर जब मैं ज्वेलरी भी पहनूँ ना तो मैं ज्वेलरी जब निकालती हूँ ना तो शॉपर है ना दराज के अंदर ही रख देती हूँ, अभी वापस आके फिर इधर उधर रख दो मिलता नहीं है, फिर वापस आके उसी में पैक करके ना तो मैं ज्वेलरी अपनी सेव कर लेती हूँ, ऐसे काली भी नहीं होती है। चले जी सारे कपड़े निकल गए हैं तो अभी मैं सारे कपड़ों को ना शॉपर में डालती हूँ, फिर ऊपर चल जाए कपड़े ऊपर रख के आते हैं। पहले दूध बॉयल करने कर लेती हूँ ना, गैस का कोई नहीं पता, चोपड़ों में डाल के दूध बॉइल करती हूँ, फिर इन्हें ऊपर रखने जाऊँगी कपड़ों का ना। अपने भी जी साथ साथ मैं ऐसे बैग में पैक करी जाऊँ, ये जब वो गर्मी सर्दी के कपड़े लेके आते हैं पोस्टर वाले होते हैं ऐसे बैग में पैक होते हैं ना तो मैं भी रख देती हूँ। देखिए ऐसे करके सारे बैग में कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ। फिलहाल मैंने बच्चों के ना ये वेस्ट कोटें वगैरह रखी हैं और उनके प्रिंस कोट ना मैंने पैक कर दिए जैसे पैक हुए थे। कुछ आपका कि उस पैंट कोट का नहीं मिल रहा मुझे ना, अब जो बैग है इसका पता नहीं कितने तरह किसको ऐसे ही लटका देती हूँ ना, जो शॉपर में होना तो गंदा नहीं होता। ये मेरे हनान का था, जब मारिया का निका था ना, मारिया भाई बिलाल का हमने तब लिया था, ये तो मुझे अच्छी तरह याद है। ये मैं 1500 रुपये का लेके आई थी, वो नहीं मुझे याद कितने की लेके आई हूँ, काफ़ी देर हो गई है। वो मुझे याद है कि ना कि तब हनान अकेला था ना, जैफा तो जैफा नहीं था, हाँ मारिया की शादी पर नहीं था, तभी इसको रखते हैं जी। इनकी वेस्कोटें भी मैंने हैंग कर दी हैं, वो भी रखती हूँ। ये वसीम के भी इधर ही पड़े होंगे, ये मेरे मुजफ्फा का और ये भी मेरे हनान का। इनकी वेस्कोटें तो आगे दो मुजफ्फा की वेस्कोट है, एक हनान की है, ये भी मैंने कलर करा हनान की। जब शलवार कमीज लेने गया था ना अपने वीडियो में देखा होगा, रेडीमेड जो थी मैंने इतना कहा, मैंने कहा 1500 की देखा था नहीं 2500 की दे रही है, मैं कह रहने दे। तो वेस्कोट तो उसकी थी भाई की शादी की और मैंने बोल आ गई, तो मैंने साथ शलवार कमीज लिया आपके सामने खुला कपड़ा, तो मैंने अम्मी से सलवार के ऊपर वेस्कोटे पहना दी। मैं भी इतनी महंगी मेरी 2500 रुपये की, 2500 की तो मेरे ख्याल से वसीम की आ जाती है 2500 रुपये की। हम इनकी लिए गए थे वाइट कलर की ना, उसकी भी मैंने सारी वीडियो बनाई है वाइट कलर में, वो मुझे अच्छी तरह याद है 1000-1000 रुपये की लेके आई थी नानी, मेरे ख्याल से 1200 की जामा की जा की थी। मैंने कहा चलो 1500 रुपये कर दो, उसी के पास जाते हैं, भगवान पूरे बेसमेंट में ना दुकान है लड़की की, उसका ना इधर से साइड सारी रेड है, स्किन खराब है। तभी जी मैं अपने से मेरती हूँ बच्चों को, तो मैं समेटी शलवार की मुझे तो ऑलरेडी तैयार लगा के उनकी अलमारी में मैंने रखी हुई है। इधर जो नए कपड़े हैं ना वो सारी इस वाली साइड पे, देखे कितने कपड़े हैं, माशाल्लाह कहीं जाना हो तो फिर हमें कपड़े ही नहीं मिलते। तो अभी जी मैं पहले दूध बॉयल कर लूँ, फिर मैं अपने कपड़े ऊपर रख के आऊँगी ना। अभी लहंगे और गरारी के मुझे शॉपर नहीं मिल रहे, ना कि काफ़ी बड़े बड़े शॉपरों में थे तो वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, वो नहीं मुझे मिल रहे, अभी इन्हें ढूंढूंगी। बाकी कपड़े तो मैंने दूसरे बैग उनमें डाल लिए, इन्हें ढूंढ के डाल के फिर ऊपर रखने जाएंगे। अभी फिलहाल किचन में चलते हैं, जो बच्चों का दूध है ना वो बॉयल करते हैं, फिर गैस ना चले जाए। अभी रोटी भी बना ली मैंने अपने लिए, पहले दूध बॉयल कर लो, फिर रोटी बनाते साथ चाय भी बनाती हूँ अपने लिए, मैंने आटा साल मोबाइल ही निकाल के रखा हुआ है। मैं अभी जी अपने लिए बना लेती थी रोटी, वसीम तक आई ने तो मुझे तो लग गई है भूख। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने जो 5K के सब्सक्राइबर है वो सेलिब्रेशन नहीं किए, मुझे नहीं पता लगा, माशाल्लाह फटाफट ही मेरे 5K हो गए थे। अब मैं कह चले 6K के हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे। अगर मुझे ये भी कहते हैं कि आप कह रहे थे हमारी सैलरी है, कि आपकी सैलरी नहीं आई, आपने उसका व्लॉग नहीं बनाया, तो आपने जैसा कि देखा पिछले दिनों हमारा कंपनी के साथ काम हो रहा था, वो पिछले माह हुआ है, तो उसकी सैलरी और जो हमारी ब्लॉग की सैलरी थी ना वो इकट्ठी हो के ना, क्यों ना कि वो जो हमारा अकाउंट है ना वो उनके पास है, तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं 2 तारीख तक लाजमी आपकी सैलरी आ जाएगी, तो सैलरी आएगी तो इंशाल्लाह लाजमी ब्लॉग बनाऊंगा। तभी फिलहाल अपनी रोटी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। बच्चों का जी यहाँ पे जो दूध है ना ये गर्मा गर्म वो भी बॉयल हो गया, और मैंने साथ अपने लिए एक रोटी बना ली, दाल गर्म कर ली और साथ प्याज कटिंग कर ली, अभी बैठ के अपना रात का हम खाना खाते हैं। तो अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
काम भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने जी अपनी वीडियो कर दिया था एंड पर, मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं, ये क्यों वो क्यों ऐसे क्यों ना, ये यहाँ पे क्यों, ये वो ऐसे करके, जो भी सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं ना इस वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह जो कल मेरी वीडियो होगी ना वो आपके आंसर क्वेश्चन वाली होगी। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं टोटली सब के आंसर दूंगी। किसी एक का भी जो कमेंट्स है ना वो भी नहीं डिलीट होगा। जो आपके दिल में सवाल है, जो भी शादी को, बच्चों को, ये वो, हमारी फैमिली में से कोई भी सवाल है, तो इंशाल्लाह आप जो भी सवाल करेंगे आपके आप ही उनका जवाब देगी। तो लाजमी जल्दी जल्दी जो आपके क्वेश्चन है ना नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहें और इंशाल्लाह कल आपको उन सब क्वेश्चन का ना आंसर मिल जाएगा।